सलाम अर्ज करता हूँ व्यूअर्स, मैं हुसैन काजमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एच के मैन्यू। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। तो व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी का नाम है पंजाबी पुलाव। तो व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ, जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में कराची की बिरयानी की बात ही कुछ और है, टेस्ट कुछ और है, वो कहीं भी नहीं है। इसी तरह से व्यूअर्स, अगर आपने पुलाव मज़ेदार किस्म का खाना है तो आप पंजाब में जाएं, आपको हर दूसरे शहर में बेहतरीन किस्म के पुलाव मिलेंगे, क्योंकि बिरयानी वहाँ बहुत कम बनती है, ज़्यादातर पुलाव ही बनता है। तो मैंने सोचा कि पंजाबी पुलाव बनाऊं और अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूं। मेरे वालिद साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो बहुत मज़े का पंजाबी पुलाव बनाते थे और मैं उनसे हमेशा देखता था साथ बैठ के और सीखता था। तो आज अपने वालिद साहब की रेसिपी आपके साथ शेयर करता हूँ, पंजाबी पुलाव। तो व्यूअर्स, मैंने दो बड़े प्याज काटे हैं और इनको करूँगा ब्राउन। जब तक वो ब्राउन होते हैं तो हम काट लेते हैं टमाटर। तीन बड़े टमाटर लिए हैं मैंने। चावल जो है वो मेरे एक किलो है और जो है गोश्त जो हमारा है वो भी एक किलो है। तो उसी हिसाब से हम मसाले भी इसमें शामिल करेंगे और साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि कब और किस टाइम पे कौन से मसाले डालने हैं और किस मिकदार में शामिल करने हैं। व्यूअर्स, कराची में आजकल बरसात का मौसम है तो हम कराची वाले बरसात को तरसते हैं। तो बरसात जब होती है तो फिर कुछ तबाही की बरसात हो जाती है। तो काफ़ी जो है बारिश हो चुकी है, बस अब हमें दुआएं मांगते हैं कि बस इससे ज़्यादा बारिश ना हो, क्योंकि कराची इससे ज़्यादा बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन हमें फ़ायदा ये हुआ कि कराची का मौसम बेहद खुशगवार हो गया है। तो ऐसे मौसम में तो फिर यही होता है कि आप मज़े मज़े की डिशें बनाएं और उनको पकाएं और खाएं। तो साथ ही मैंने लिए अदरक का टुकड़ा लिया है एक बड़ा, और लहसुन के 8-10 जवे मैंने कूट के वो रख लिए हैं और इसको मैं कूटूंगा। आप इसको पीस भी सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा दरदरा कूटने से जो है इसका फिर जायका ही अलग होता है पुलाव में। मिसाले हम प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, हमने पानी डाला है, इसको अच्छी से हम जो है हल कर लेंगे पानी में। और आपको मिसाले बता दूं, हमने डाला है हल्दी 1 बड़ा चम्मच है, लाल कश्मीरी 1 चम्मच, छोटी इलायची पाउडर 1/2 चम्मच डाला है और 5 हमने लौंग शामिल किए हैं और 2 बड़ी काली इलायची जो है वो डाली है। उसके बाद काली मिर्च डाले हैं 10 दाने, तेज पत्ता डाला है, काला ज़ीरा 1 चम्मच डाला है और साथ ही हमने डाला है धनिया पाउडर 1 चम्मच और नमक हसबे जायका। ये सब मिसाले हम शामिल करेंगे, मैंने इसलिए पहले से आपको बता दिया है कि आप ज़रूर इसे नोट फरमा लीजिए। अदरक लहसुन भी हमने शामिल कर दिया है और साथ ही हम डालेंगे इसमें दालचीनी 1 चम्मच पिसी हुई और सूंड जो है वो 1 चम्मच पिसा हुआ। ये सारे मसाले जो है मैंने पीस लिए हैं और पीस के पहले भूना है, फिर पीस के ये इसमें जाएंगे। कोई बाज़ार का पुलाव मसाला नहीं है, यही मसाले डालें, बहुत मज़ा आएगा।
कुछ लोग क्या करते हैं कि सब मिसालों को साबित पोटली बांध के वो भी डाल देते हैं और उसके बाद उस पोटली को निकाल लेते हैं। वो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। आप मिसालों को पीस कर अंदर डालें ताकि उनका मज़ा आपके पुलाव तक पहुंच सके, वो ज़्यादा बेहतर है। साथ ही डाल देंगे टमाटर, हमने 3 काट के रखे हुए हैं, हरी मिर्च काट के रखी हुई है, इनको हम सोते करेंगे और नमक मैं डालूंगा इसमें 1 चम्मच। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं या फिर आप जब पानी डालें उसको चख लीजिए कि नमक कम तो नहीं है, क्योंकि कम नमक जो है चावलों में फिर आप दोबारा ज़्यादा नहीं कर सकते, जबकि इसके बरअक्स सालन हो, कोई भी तरकारी हो, दोबारा नमक डाला जा सकता है। तो नमक का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वो ज़रूर आप इसको टेस्ट करके और फिर अपना पुलाव बनाएं। तो व्यूअर्स, पंजाबी पुलाव का सारा मसाला बिल्कुल बनकर तैयार है। तो अब हम इसमें डालेंगे बीफ का गोश्त। तो ये है 1 किलो बीफ का गोश्त है, ये हम शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। जब गल जाएगा उसके बाद पानी डालकर फिर चावल डालेंगे। व्यूअर्स, हम इसमें दही भी डालेंगे 1 कप, लेकिन दही हम आखिर में डालेंगे जब हमारा गोश्त गल जाएगा। अगर हमने दही पहले से डाल दिया तो गोश्त गलना जो है फिर बहुत मुश्किल होता है और बहुत देर से गलता है। दही जो है हम बाद में डालेंगे जब गोश्त गल जाएगा। और चावल हमने 3 गिलास भिगो के पहले से रखे हुए हैं। व्यूअर, गोश्त हमारा जो है भुन चुका है, मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, गोश्त गल भी गया है, बहुत हल्की सी ग्रेवी है। बस इस स्टेज पर आप डालेंगे 1 कप दही इसमें। गोश्त गलने के बाद ही दही डालिए, अगर पहले डाल दी तो गोश्त जो है आपका गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। आप देख रहे हैं ये ब्राउन कलर जो है यही चावलों के ऊपर होगा और यही पंजाबी पुलाव की जो है खूबसूरती है कि चावलों का कलर जो है वाइट नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे और फिर इसमें डालेंगे यखनी, यानी कि स्टॉक जो हमने रखा हुआ है, बीफ के गोश्त का ही हमारे पास स्टॉक है, वो डालेंगे और उसी में फिर हम अपने चावल पकाएंगे। ये है हमारा बीफ स्टॉक, इसमें शामिल करते हैं और इसको 1 बॉयल तक पकाते हैं, उसके बाद चावल शामिल करें। अगर आपके पास यखनी बनी हुई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पानी डालिए और पुलाव की क्यूब डाल दें। लेकिन मैंने क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनल पंजाबी पुलाव बनाया है तो मैंने इसमें कोई भी बाज़ार की चीज़, बाज़ार का मसाला शामिल नहीं किया। इसी पानी में जो है हमारे चावल गल जाएंगे और पककर तैयार हो जाएंगे, हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। गोश्त हमारा जो था वो 1 किलो था और चावल हमारे 3 गिलास हैं, यानी के 3 पाव। ये जो स्टेज है यहाँ पर आपने नमक चेक करना है। क्योंकि अगर हमने चावल डाल दिए और पुलाव बन गया और नमक हमने चेक नहीं किया तो आप नमक और ऐड नहीं कर सकते, या अगर कम है तो इसी जगह पर ऐड कर लें। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो मैं इसमें नमक डालूँगा।
चावल मैंने पहले से भिगो के रखे हुए व्यूअर्स, तो हमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर चावल आपने फ़ौरन भिगो के रखे होते धो के, तो फिर हम इसमें आधा गिलास पानी का और ऐड करते, क्योंकि चावल अगर एक से दो घंटे भिगो के रखेंगे उसके दो फायदे हैं। एक तो आपके चावल जो है वो खिले खिले और बहुत मज़े के बनेंगे, दूसरा जो है आपको पानी भी कम डालना पड़ेगा। लो जी व्यूअर्स, साडा पंजाबी पुलाव बन के ते बिल्कुल तैयार हो चुके आ। कलर जरा वेखो किन्ना सोहना ते खिले खिले चावल ने। व्यूअर्स, पंजाबी पुलाव बने ते असी पंजाब दी मिठी बोली ना बोलीए, ऐ ते हो सकदा नहीं। की होया जे साडा तलक कराची नाल है, लेकिन ऐ ते हो नहीं सकदा कि सानू अपने पाकिस्तान दी जबान पंजाबी ना आवे, आनी चाहिदी है। नाले सारिया ही बोलियां बड़िया मिठिया ने ते बड़ी प्यारियां ने, भावें सिंधी होवे ते भावें होवे पंजाबी ते भावें होवे उर्दू ते भावें बलोची ते भावें सराइकी, सारियां जबाना अपनियां ने ते मिठियां ने। ते वीवर्स, पंजाबी पुलाव बन के तैयार है, मैं इनू करना डिश आउट ते खाना मज़े लै लै के, ते तुसी भी इनू ट्राई करना ना भुलिया जे। ते साडे इस रेसिपी नू ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਜੇ ਘਰ 'ਤੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਵਿਊਅਰਸ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜਾ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਣ ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਕਾਜ਼ਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵੀ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰਹੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗਹਿਵਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ ਸੁਮ ਆਮੀਨ। ਵੀਵਰਸ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।